गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे दोस्तों। और सबसे पहले तो माफ़ी चाहूँगा, लिटिल बेल्ट हेल्थ इशू की वजह से कल मैं क्लास नहीं ले सका। आज हम लोग अपनी बात कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू, थैंक यू अंजलि जी। गुड आफ्टरनून, बिल्कुल ठीक हूँ। एक मिनट दोस्तों जी। तो आज हम लोग अपनी बात कंटिन्यू करते हैं। मोस्ट वेलकम अंजलि जी, स्वागत है आपका। तो आज जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं, स्ट्रक्चर्स या लैंडफॉर्म, लैंडफॉर्म भी कहते हैं, ये ध्यान रख लीजिएगा, जो लैंडफॉर्म्स हैं जो ग्लेशियर के द्वारा बनते हैं, उन पे आज हम लोग बात करेंगे। गुड आफ्टरनून अर्पिता जी। ग्लेशियर जिसे पॉपुलर टर्म में आपकी बुक्स में हिमानी करके लिखा होगा, ठीक है ना, हिमानी या ग्लेशियर इसको बोलते हैं। तो इससे जो स्ट्रक्चर बनेंगे, उनको स्वागत है नारायण जी आपका। तो उस पर आज हम लोग बात करेंगे। सबसे पहली बात है कि ग्लेशियर की बात है तो ये जाहिर सी बात है कहां पर मिलेंगे, ये हमें मिलेंगे हिल्स पे, ठीक है ना, हिल्स या माउंटेन्स, क्योंकि ग्लेशियर वहीं होते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा तो ग्लेशियर कहीं होंगे नहीं, तो ग्लेशियर वहीं पर होते हैं। इसमें सबसे पहले जो समझने की चीज है, आप समझिएगा ग्लेशियर है क्या। ग्लेशियर है एक बर्फ की बहती हुई नदी, ठीक है ना। जो रिवर जैसे आपने देखी होगी, राधे राधे मनु सिंह जी, तो रिवर तो हम लोगों ने देखी भाई पानी की बहती है, लेकिन ये पानी जो है भाई, जब पहाड़ों से निकलेगा तो पानी तो डायरेक्ट बहेगा नहीं, तो ऊपरी जो पहाड़ होते हैं वहां पर बर्फ नीचे की ओर खिसकती है, बर्फ नीचे खिसकती है धीरे 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 धीरे, यही मेल्ट हो जाती है, और मेल्ट होने के बाद यानी पिघलने के बाद यही आपकी पानी के फॉर्म में रिवर बनती है। सिंपल सी बात है। तो जहां पर ये मेल्टेड होने से पहले बर्फ आपकी बहती है, बर्फ धीरे धीरे जो खिसकती है, यही आपके कहलाते हैं ग्लेशियर, ठीक है ना, या इसी को कहते हैं हिमानी। अब यहां पर एक दो कॉन्सेप्ट आते हैं जो हमें जानने जरूरी है। इनमें सबसे पहले आता है आपका आइस लाइन, या इसे स्नो लाइन भी आप कह सकते हैं, यानी हिंदी में कहते हैं इसे हिमरेखा, ठीक है भाई। हिमरेखा का कॉन्सेप्ट क्या है या स्नो लाइन का कॉन्सेप्ट क्या है भाई? आपने देखा होगा कि पहाड़ों के ऊपर बर्फ जमी रहती है, ठीक है ना। अब कोई तो कंडीशन ऐसी होगी जिस ऊंचाई तक बर्फ जमी रहे, है ना, क्योंकि बर्फ पानी बनेगी। जैसे जैसे आप नीचे आते जाएंगे, टेम्परेचर और प्रेशर कम होता जाएगा, टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, तो बर्फ पिघलेगी। तो ऐसी लाइन जिसके ऊपर साल भर यानी हमेशा बर्फ जमी रहती है, कभी पिघलती नहीं। पहाड़ों पर, ऊंचे पहाड़ों पर ऐसी एरियाज भी होते हैं काफी हाइट पर जहां बर्फ साल भर जमी ही रहती है, कभी पिघलती नहीं। जाहिर सी बात है जब गर्मी का मौसम होगा तो ये हिमरेखा की ऊंचाई बढ़ जाएगी, और जब सर्दी का मौसम होगा तो इस हिमरेखा की ऊंचाई घट जाएगी, क्योंकि सर्दियों में बर्फ ज्यादा जमेगी तो ज्यादा पहाड़ को कवर करेगी, ज्यादा कवर करेगी, तो सर्दियों में इसकी ऊंचाई घट जाएगी जबकि गर्मियों में इसकी ऊंचाई बढ़ जाएगी। तो ऐसी रेखा जहां वर्ष भर बर्फ नहीं पिघलती है, उस लाइन को आप कहते हैं हिमरेखा या स्नो लाइन, जिसके ऊपर बर्फ हमेशा जमी ही रहेगी, इससे नीचे कभी भी बर्फ पिघलेगी नहीं। हिमरेखा की जो हाइट है ये हमेशा आप जानिए, तो अगर ग्लोब पर आइए दोस्तों, तो ग्लोब पर हम देखते हैं कि सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है कहां पर? इक्वेटर पर या भूमध्य रेखा पर। भूमध्य रेखा पर सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है, और जैसे जैसे हम पोल्स की ओर, ध्रुवों की ओर जाते हैं, सर्दी बढ़ती जाती है। तो सर्दी जब बढ़ती जाती है तो यही आपकी आइस लाइन का भी कॉन्सेप्ट रहता है कि भूमध्य रेखा पर ज्यादा गर्मी है तो यहां पर हिमरेखा की ऊंचाई सबसे ज्यादा रहती है, और ध्रुवों की ओर जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं हिमरेखा की ऊंचाई घटती जाती है, और ध्रुवों पर पहुंचते पहुंचते ये ज्यादातर आपकी मीन सी लेवल पर आ जाती है, यानी कि जो समुद्र का माध्य लेवल लिया जाता है वहां तक बर्फ जमी रहती है। तो ध्रुवों पर, पोल्स पर आइस लाइन या स्नो लाइन की हाइट जो है वो सबसे कम रहेगी, और इक्वेटर पर स्नो लाइन की हाइट सबसे ज्यादा रहेगी, ये याद रखें।
क्यों? क्योंकि यहाँ गर्मी है भाई ज्यादा, सूरज सीधा चमकता है, सूरज सीधा चमकता है तो पहाड़ पर बर्फ कम जम पाएगी, कम जम पाएगी तो ज्यादा ऊंचाई होगी वहीं पर बर्फ मिलेगी, निचले एरियाज में नहीं मिलेगी। स्वागत है रितेश जी आपका। जबकि निचले एरियाज पर ध्रुवों पर, पहाड़ पर, कभी भी ध्रुवों पर सूरज की सीधी किरणें पड़ती नहीं है, सर्दी रहती है, तो मेन सी लेवल पर भी आपकी बर्फ जमी रहती है। ध्रुवों पर आपके भूमध्य रेखा पर इसकी हाइट जो है वो लगभग 6000 मीटर है, अगर भूमध्य रेखा को लें। इक्वेटर पर आइस लाइन या स्नो लाइन की हाइट 6000 मीटर है, जबकि हिमालय पर्वत पर, हिमालय पर इसकी हाइट लगभग 5500 मीटर पाई गई है, 5500 मीटर के आसपास। हिमालय पर 5500 मीटर की ऊंचाई, जब मध्य समुद्र जो रेखा से ऊपर जाएंगे तो 5500 मीटर की लाइन के ऊपर साल भर बर्फ मिलती है, ठीक है। मीन सी लेवल, आप अपने शहर के रेलवे स्टेशन जाइए तो उस पे लिखा रहता है स्पेस स्टेशन के बोर्ड पर कि ये मीन सी लेवल से कितना ऊंचा है, क्योंकि कहीं भी धरातल पर जहां भी हम अल्टीट्यूड नापते हैं यानी कि हाइट नापते हैं तो वो मीन सी लेवल से ही मेजर करते हैं, ठीक है ना। तो 5500 मीटर की हाइट वो हाइट है जहां हिमालय पर स्नो लाइन पाई जाती है, यानी इस ऊंचाई से ऊपर हमेशा बर्फ जमी रहती है, जबकि भूमध्य रेखा पर ये 6000 मीटर के आसपास पड़ती है। गुड आफ्टरनून फूलचंद जी। तो एक तो कॉन्सेप्ट हो गया आइस लाइन या स्नो लाइन का, जो आपकी क्या होती है ये आपने समझा। इक्वेटर पर इसकी क्या पोजीशन है, ध्रुवों पर इसकी क्या पोजीशन है और हिमालय पर इसकी क्या पोजीशन है, ये बात यहां पर क्लियर होती है। अब इससे क्या क्या स्ट्रक्चर बनेंगे, तो सबसे पहले आप देखिए वैली ग्लेशियर। वैली ग्लेशियर आप यहां पर देख सकते हैं कि यहां पर ये बर्फ खिसकते हुए आ रही है, ठीक है ना, देख रहे हैं ना, ये देखिए बर्फ दिखाई दे रही है, ये घाटी बनी हुई है और जिसमें बर्फ धीरे धीरे खिसकते हुए आ रही है। गर्मियों में यहाँ का पानी पिघल जाएगा, बर्फ पिघल जाएगी और सर्दियों में यहाँ पर बर्फ ही बर्फ दिखाई देगी। तो ऐसे ग्लेशियर को कहते हैं हम लोग वैली ग्लेशियर। और जो यहां पर ये आप देख रहे हैं छोटा सा पानी भरा हुआ है, हिमानी निकल जाने के बाद या बर्फ के पिघल जाने के बाद, अब ये पानी जो भरा हुआ है, जो पिछले साल बर्फ यहां से खिसकी होगी उसी का पिघला हुआ पानी तो ये भरा दिख रहा है, ठीक है ना। ऐसी जगह को हम लोग कहते हैं केटल झील या केटल लेक, ठीक है ना। ये जगह जगह छोटी छोटे आपके पाए जाते हैं, तो केटल यानी केटली से ये शब्द बना है, जैसे केटली में थोड़ा सा पानी मिलता है वैसे ये थोड़ा थोड़ा पानी कहीं कहीं मिल जाएगा, तो उसी से ये शब्द आया है केटल लेक, इसको बोलते हैं। जो हिमानी के गुजर जाने के बाद गर्मियों में ये एरिया पिघल जाएगा, इससे जो ये एरिया बनेगा, ये झीलें बनेंगी छोटी छोटी, इसे केटल लेक बोलते हैं। तो वैली ग्लेशियर में ये खूब मिलते हैं। तो इस तरीके से पहाड़ों में देखिए, अब जब यहां पर बर्फ ज्यादा हो गई है तो ये पिघल आपका खिसक खिसक के आ रही है और ये बहुत धीमे बहती है। जो बर्फ खिसकती है या ग्लेशियर है ये बड़ा धीमे फ्लो करता है। कई बार तो ऐसा भी होता है कि ये एक दिन में 1 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर या 1-2 मीटर ही खिसकती है। कई बार कई कई दिन तक ये एक ही जगह पर रुकी रहती है, जब तक थोड़ी गर्मी नहीं बढ़ेगी, बर्फ थोड़ी पिघलेगी नहीं, ये फ्लो नहीं करती है। तो इसका फ्लो जो होता है वो कैसा होता है, स्लो होता है। और कितना स्लो, वेरी स्लो, पानी की तरह तेज नहीं बहता है, पहाड़ी क्षेत्रों में ये बहा करती है, तो इसे वैली ग्लेशियर कहा करते हैं, ठीक है ना। तो वैली ग्लेशियर आपका इस तरीके की, ये घाटी बहुत चौड़ी भी हो सक्ती है, ठीक, सकरी भी हो सकती है, ये डिपेंड करता है कि कैसी पोजीशन बनती है, कितनी ज्यादा मात्रा में बर्फ वहां पर है, ठीक है। तो ये वैली ग्लेशियर का कॉन्सेप्ट आपका सबसे पहला बनता है। इसके बाद जो आता है तो वो आता है आइस कैप। यहां पर आप आइस कैप का एरियल व्यू देख रहे हैं, ऊपर से देख रहे हैं, हवा से देख रहे हैं, ठीक है ना। तो यानी ऐसी जो चोटियां जिनसे हिमानी निकलती है, ऐसी बर्फ से ढकी चोटियां जिनसे ग्लेशियर निकलते हैं, वो कहलाते हैं आइस कैप। अब ये एक बड़ा सा आइस कैप दिखाया गया है और ये देखिए इससे चारों दिशा में ये ग्लेशियर आपके निकल रहे हैं, ये छोटे छोटे ग्लेशियर आपके निकल रहे हैं देखो, ठीक है ना। जब बर्फ ज्यादा जमेगी तो इन्हीं रास्तों से तो नीचे खिसकेगी, तो ये सारे आपके ग्लेशियर आपके इस तरीके से निकल रहे हैं। ये देखिए यहां पर ग्लेशियर के बहने के निशान भी दिख रहे हैं, ऐसी जमीन दिख रही है कि ग्लेशियर यहां पर बहता होगा, ठीक है ना। तो ये कहलाती है आइस कैप।
यानी जहां पर ऊंची चोटियां जिन पर बर्फ हमेशा जमी रहती है और जिनसे खिसक खिसक कर ग्लेशियर निकलते हैं, तो ऐसे स्ट्रक्चर को आइस कैप कहते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा एक कॉन्सेप्ट और आता है जो कहलाता है आइस शीट, हिम चादर, ठीक है ना, वो हो गई हिम टोपी, ये हो गई हिम चादर। हिम चादर वो एरिया है जहां चौड़े एरिया पर यानी पठार वगैरह पर इस तरीके से जैसे आप देख रहे हैं इस तरीके से बर्फ की बड़ी सी दूर दूर तक बर्फ ही बर्फ फैली रहती है, चादर की तरीके से इस एरिया को ढक लेती है, इसी को कहते हैं आइस शीट या हिंदी में इसे कहते हैं हिम चादर, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये भी आपका ग्लेशियर निर्मित ही होता है, हिम चादर से हिमानी नॉर्मली नहीं निकलती है, जमी रहती है, जब ये धीरे धीरे पिघलेगी थोड़ा बहुत खिसक जाएगी, ज्यादा नहीं खिसकेगी। तो इसे हिम चादर या आइस शीट बेसिकली ये कहां जमती है, पठार पर, पठार यानी प्लेटी, ठीक है ना, जो बर्फीले एरियाज में प्लेट्यू मिलेंगे, पठार मिलेंगे, वहां पर जो ये इस तरीके से आपकी जम जाएगी बर्फ की लेयर आपकी जो देख रहे हैं आप, तो इसे कहते हैं हम हिम चादर। अब जो आपके बेसिकली ग्लेशियर से जो एरियाज बनते हैं, जो स्ट्रक्चर बनते हैं, एक उनमें होता है आइसबर्ग, आइसबर्ग इसे हिमखंड भी कहते हैं, हिमशिला या हिमखंड। आइसबर्ग आपके सामने दिख रहा है, समुद्र में तैरती हुई स्वतंत्र बर्फ की चट्टाने हैं। कई बार क्या होता है कि ध्रुवीय क्षेत्रों में बर्फ होती है, बर्फ वहां पर जमी हुई है और गर्मी जब बढ़ती है तो वहां से बर्फ की बड़ी बड़ी चट्टाने टूट टाट के पिघल के पानी में बह के चली जाती है। तो पैसिफिक ओशियन में, खासकर अटलांटिक महासागर में, अटलांटिक महासागर में सबसे ज्यादा ये मिलते हैं, तो आर्कटिक क्षेत्र से ध्रुवों से ये पिघल के और गहरे पानी में चले जाते हैं, हवा के दबाव, हवा के बहाव से धीरे 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 बहते हुए चले जाते हैं आपका। और टाइटैनिक जो मूवी आपने देखी होगी वो भी इसी तरीके के इस एक आइसबर्ग से टकरा कर जहाज टूटा था। होता क्या है कि बर्फ का जो घनत्व होता है ये होता है 0.9, बर्फ की जो डेंसिटी है वो 0.9 है, और पानी का घनत्व होता है 1, और घनत्व या डेंसिटी ही ये डिसाइड करती है कि कोई चीज पानी पर तैरेगी या डूबेगी। तो बर्फ का घनत्व पानी से कम है, नतीजा बर्फ पानी पर तैरेगी। अब कितना तैरेगी, तो हमेशा इसका जो है दोस्तों आइसबर्ग का 10% भाग सतह के ऊपर रहता है और 90% भाग जल सतह के नीचे रहता है, इसलिए ये ऊपर से देखने में छोटे दिखते हैं लेकिन समुद्र के नीचे, पानी की तल के नीचे इनका मैक्सिमम पार्ट पाया जाता है, 90% पार्ट पाया जाता है। ये 90% क्यों, क्योंकि ये तो डेंसिटी 0.9 है और इसकी 1 है, तो 10% का ही तो अंतर है। तो बर्फ जब भी पानी पर तैरेगी 10% पार्ट उसका पानी के ऊपर रहेगा, 90% पार्ट पानी के नीचे रहेगा। इसीलिए समुद्री जहाजों को ये आइसबर्ग छोटे दिखाई देते हैं जबकि पानी के नीचे इनका स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा होता है, बहुत बड़ा आकार होता है, ठीक है ना। तो 1914 में टाइटैनिक जहाज भी एक आइसबर्ग से टकरा कर, पानी का जहाज अगर यहां तक भी आएगा तो वो तो यहां से टूट जाएगा। अच्छा, छोटे दिख रहे हैं लेकिन नीचे बहुत ज्यादा है, यानी कि वेट भी इसका बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। तो वेट ज्यादा है तो जहाज को आराम से ये नुकसान पहुंचा देते हैं। तो ध्रुवीय एरिया में यहां पर ये उत्तरी ध्रुव से और दक्षिणी ध्रुव से ये बह बहकर आर्कटिक महासागर में, प्रशांत महासागर में, हिंद महासागर में आते रहते हैं, और ऐसे आइसबर्ग ध्रुवीय एरिया के आसपास ज्यादा मिलते हैं। जैसे जैसे इधर आएंगे धीरे धीरे फिर छोटे होते जाएंगे, पिघल के खत्म हो जाएंगे। अभी आपने अखबारों में पढ़ा होगा कि अंटार्कटिक से एक बहुत बड़ा आइसबर्ग टूटा है जिसका आकार दिल्ली शहर से लगभग 4 गुना ज्यादा है, ठीक है ना। तो ये घटनाएं होती रहती हैं। तो ऐसे घटना को, ये जो टूटती है बर्फ की चट्टानें जो स्वतंत्र रूप से समुद्र में तैर रही हैं, ये आइसबर्ग कहलाती है। आती कहां से है, ध्रुवीय क्षेत्रों से आती है, ठीक है, तो इसे हम आइसबर्ग कहते हैं। और स्ट्रक्चर देखिए तो ग्लेशियर से क्या बनेगा, तो यू शेप्ड वैली। जिस तरीके से नदी में आपने पढ़ा था वी शेप्ड वैली, वैसे ही जब बर्फ बहती है तो यू आकार में अपनी घाटी का कटाव करती है, ठीक है ना। नदी वी आकार में कर रही थी, ये यू आकार में करती है, आप देख रहे हैं इस तरीके से ये घाटी यू आकार की बन रही है।
ठीक, यहां पर इस फिगर में और ज्यादा क्लियर हो जाएगा आपको। जो पहला फिगर हम लोगों ने देखा था ये देखिए, इस तरीके से बर्फ पिघलेगी, बर्फ आगे खिसकेगी, तो इसका कटाव करने का तरीका ये होगा कि ये इरोजन जो है एक चौड़ाई में करेगी, एक चौड़ाई में लेकर चलेगी, क्योंकि पूरी की पूरी बर्फ जो है वो इरोजन की पावर रखती है, बर्फ का वजन ज्यादा होता है, इसलिए ये चूंकि मात्रा में तेज है, खुरदरी भी है पानी की तुलना में, तो इसकी इरोजन पावर जो है वो वाटर से ज्यादा होती है, ठीक है ना। और कुंटलों टनों बर्फ ये खिसक खिसक के आ रही है, तो ये इरोजन जो करती है, तो इरोजन से ये देखिए यहां भी आप यू शेप्ड वैली देख सकते हैं, ठीक है ना, ये घाटी जो बन रही है ये यू शेप्ड है, तो यू शेप्ड वैली भी आपकी बर्फ की द्वारा बनाई जाती है, यानी कि ग्लेशियर के द्वारा बनाई जाती है। जिस रास्ते पे ग्लेशियर चलेगा वहां पर ये यू शेप्ड वैली का निर्माण करता है। सिंपल सी बात है कि यू शेप्ड वैली ग्लेशियर क्यों बना रहा है, क्योंकि इसकी इरोजन पावर जो है वो पानी से ज्यादा है, और ये गहराई के साथ साथ किनारों पर भी इरोजन करता है, इस कारण से वैली जो बनेगी, घाटी जो बनेगी वो यू शेप्ड होगी, ठीक है ना। तो ये चीज हो गई। गुड आफ्टरनून फूलचंद जी, मोस्ट वेलकम। तो ये स्ट्रक्चर आपका बनेगा। इसके अलावा जो स्ट्रक्चर बनता है, तो हैंगिंग वैली, अब जो ये देख रहे हैं ये यू शेप्ड वैली एक बन गई, ठीक है ना। यहां पर मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूं तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। यहां पर ये एक वैली बन गई, ये यू शेप्ड वैली आपको दिखाई दे रही है, बनी हुई है कि नहीं बनी हुई है ये देखिए। और इसमें जो छोटे हिमनद, छोटे ग्लेशियर मिल रहे हैं, उनकी जो छोटी छोटी यू शेप वैली होगी ये बन रही है, ये देखिए ये बन रही है, जो इसमें लटक रहे हैं। जब बर्फ पिघल जाएगी तब ये लटकते हुए दिखेंगे। जब ग्लेशियर चल रहा था सर्दी के दिनों में, उस समय ये ग्लेशियर भर के चल रहा था, तो यहां पर बर्फ है, इधर से भी बर्फ इसमें खिसक खिसक के मिल रही है, तो सर्दी के दिनों में जब ग्लेशियर बह रहा है, जब ग्लेशियर फ्लो कर रहा है, उस समय ये यू शेप वैली नहीं दिखती है, उस समय तो बर्फ ही बर्फ दिखती है। जब गर्मियों के मौसम में बर्फ पिघल जाएगी, पानी में कन्वर्ट हो जाएगी, तब ये जो लटकी हुई घाटियां हैं ये इस तरीके से लटकी हुई दिखाई देती हैं, तो ये यू शेप वैली जो बनती है छोटी छोटी, ये लटकती हुई दिखती है, इसीलिए इन्हें हैंगिंग वैली या लटकती घाटी कहते हैं, ठीक है ना। एक और फिगर मैं आपको इसका दिखाता हूं और क्लियरिटी हो जाएगी। इस तरीके से देखिए, यहां पर ये ग्लेशियर आपका है और यहां पर ये यू शेप वैली आपकी हैंगिंग वैली के रूप में दिखाई दे रही है, ठीक है ना, छोटी बड़ी कई आकार। अब जब बर्फ चल रही थी सर्दियों में तो ये भरा होगा, तो उस समय तो इधर से भी बर्फ आ रही है, इधर से भी बर्फ आ रही है, इधर से भी बर्फ आ रही है, लेकिन जब गर्मियों में पानी पिघल जाएगा तो उस कंडीशन में ये जो है यू शेप वैली जो है आपकी इस तरीके से बन जाती है, तो ये यू शेप वैली आपकी हैंगिंग वैली के रूप में यहां पर दिखाई देती है, क्योंकि बर्फ तो खाली हो गई, अब तो यहां से थोड़ा थोड़ा पानी आ रहा है, थोड़ा थोड़ा पानी आ रहा है, तो ये हैंगिंग वैली लटकती घाटियों के रूप में हमें दिखाई देगी। Is that clear? सिंपल सी बात है, इतनी सी चीज हैंगिंग वैली में आती है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो बनता है दोस्तों, तो एरिड। एरिड से पहले आप देख लीजिएगा, तो यहां पर शर्क और आता है, शर्क। ये देखिए, ये शर्क का स्ट्रक्चर बोला जाता है, यहां पर ये बन रहा है, ये शर्क है। शर्क क्या है? शर्क को आप समझ लीजिएगा कि जब पहाड़ से ग्लेशियर उतरता है तो आपका भूमि कटाव करता है, तो भूमि कटाव करता है, तो इस तरीके से यह पहाड़ से उतरा और इस तरीके से भूमि कटाव कर दिया, तो यहां पर यह पहाड़ को घिस दिया, तो ये जो आराम कुर्सी, जो रेस्टिंग चेयर जैसी पोजीशन दिखती है, यही कहलाती है आपकी, क्या कहलाती है? सर्क, ठीक है ना। तो ये शर्क कहलाते हैं। यहां पर देखिए आप, इस फिगर में आपको दिखेगा कि यहां पर ये देखिए आराम कुर्सी जैसी संरचना ये बन गई, यहां पर ये आराम कुर्सी जैसी संरचना बन गई, यहां पर ये आराम कुर्सी जैसी संरचना बन गई। तो इस तरीके का जो इरोजन होगा, जो साइड से देखने पर रेस्टिंग चेयर सा दिखे, तो वो कहलाता है शर्क, ठीक है ना। तो ये सवाल बनता है कि इस आराम कुर्सी जैसा स्ट्रक्चर या रेस्टिंग चेयर जैसा स्ट्रक्चर क्या कहलाता है, या ये सवाल बन जाता है कि सर्क कौन बनाता है, तो ग्लेशियर बनाता है और इस तरीके से इसे कंटिन्यू करता है, ठीक है ना। तो ऐसे कई सारे सर्क पहाड़ों पर पाए जाते हैं। नेक्स्ट स्ट्रक्चर आ गया तो एरिड। एरिड क्या है? एरिड सिंपल सी बात है, ये देखिए, ये सर्क बना हुआ है,
यहां पर आराम कुर्सी जैसी संरचना, यहां पर एक और सर्क बना हुआ है, और जो सर्क के पिघलने के बाद अगर जो आराम कुर्सी जैसी संरचना बनी थी तो यहां पर जो एक ऊंचाई बन गई, यहां पर गर्मियों में पानी भर जाता है, लेक बन जाती है, तो ये लेक जो है आपकी ये कहलाती है टॉर्न या कॉरी लेक, जैसा कि आप इस फिगर में देख रहे हैं, यहां पर ये टॉर्न बोलते हैं। तो ये सर के दर बन गया, ये सर के दर बन गया, तो बीच में जो ये नुकीला भाग रह जाएगा पहाड़ का उठा हुआ, भाई इधर से भी इरोजन हो गया, इधर से भी इरोजन हो गया, तो बीच में ये नुकीला भाग रह गया कि नहीं रह गया, ये नुकीला भाग जो बीच का है यही कहलाता है एरिड, ठीक है ना। तो इसी को एरिड कहते हैं, जो आपका नुकीला भाग बन जाता है। अब यहां पर और क्या होता है भाई कि नुकीला भाग सर्क बनने से ये आपका टॉर्न बन गया, आपका टॉर्न बना है या कॉरी लेक से बोल रहे हैं, तो ये लेक भी आपने देखी, ठीक है ना, तो ये भी एक स्ट्रक्चर है टॉर्न या कॉरी लेक। तो ये कॉरी लेक जो भी है ये भी बनी है, टॉर्न भी बना है, एरिड भी बना है। अब पहाड़ी पर आपका क्या हुआ कि मान लीजिए एक सर्क इधर बन गया, एक सर्क इधर बन गया, यहां पर बीच में ये एरिड बन गया, और पहाड़ के आसपास हर तरफ सर्क ही सर्क निकल गए, तो ऐसी कंडीशन में जो आपका नुकीला सिर रह जाएगा इसे कहते हैं हॉर्न। ये पिरामिड टाइप का रहेगा, नुकीला रहेगा, तो ये हॉर्न कहलाता है। इस फिगर में आप यहां पर जो पिरामिड पीक के रूप में देख रहे हैं ये आपका हॉर्न कहलाएगा। इधर भी एरिट है, इधर भी एरिट है, इधर भी एरिट है, हर तरफ एरिट है, हर तरफ सर्क बन रहे हैं, तो फिर जो नुकीला पार्ट रह जाएगा पहाड़ी का पीक, पिरामिड पीक जो रह जाएगी, इसे हॉर्न कहते हैं। ये कैसा होता है इस तरीके से, ठीक है ना। तो यहां पर इस फिगर में देखिएगा और इजी हो जाएगा समझने में, तीनों चीजें एक साथ दिख रही हैं। देखिए यहां पर ये सर्क बना हुआ है, इधर से यहां पर ये सर्क बना हुआ है, यहां पर ये सर्क है, यहां भी आपका सर्क है, तो ये जो बीच का नुकीला भाग रह गया, बीच का ये इधर भी सर्क है, बीच का नुकीला भाग रह गया, ये कहलाता है एरिड। और इन सर्क के बनने से ये देखिए यहां पर ये जो ये भी सर्क है, ये भी सर्क है, उधर भी पीछे की तरफ भी सर्क बने होंगे, तो ये जो नुकीला भाग रह जाता है ये कहलाता है हॉर्न, ठीक है ना। हॉर्न या हिंदी में इसे कहते हैं दोस्तों गिरी श्रंग, हिंदी में क्या कहते हैं गिरी श्रंग, ठीक है। यहां पर देखिएगा रेड यस, देखिएगा श्रंग माने सींग और गिरी माने पहाड़, यानी पहाड़ का सींग, जानवरों के सींग होता है ना हॉर्न, तो वो आपका हॉर्न शेप स्ट्रक्चर ये यहां पर इस तरीके से बन जाता है, ठीक है ना। तो अगला स्ट्रक्चर पे आइएगा, तो हॉर्न को आपने समझा, अगले स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो अगला स्ट्रक्चर दोस्तों बोला जाता है आपका, जिसे हम कहते हैं नुनाटक। क्या कहते हैं नुनाटक। नुनाटक क्या है, पर जब आपका पर्वतीय क्षेत्र में बर्फ जमी हुई है उसके बाद भी जो चट्टानों के उभरे हुए टीले दिखते हैं, जो यहां पर आप देख रहे हैं, जैसे ये टीला हो गया, ये टीले हो गए, ये टीले हो गए, ये टीले हो गए, ये चट्टानों के टुकड़े दिख रहे हैं ना बर्फ के बीच बीच से उभरे हुए, बहुत सारे टीले आप देख रहे हैं, है ना, ये देखिए ये, तो ऐसे चट्टानों के उभरे हुए टीलों को जो बर्फ की शीट या हिम चादर के साथ में दिखते हैं, पूरे पर्वतीय क्षेत्र में हिमाच्छादन हो जाए, बर्फ से पूरी चीजें कवर हो जाए, उसके बाद जो ऊपर चट्टानी टीले जो निकले दिखाई देते हैं, इन्हीं चट्टानी टीलों को कहते हैं नुनाटक। इन्हें क्या कहते हैं, नुनाटक कहते हैं दोस्तों, ठीक है ना, जैसा कि फिगर में आप देख रहे हैं। नुनाटक क्लियर है, समझ आया, ये नुनाटक जो ये आपके टीले दिख रहे हैं उभरे हुए टीले टीले देख रहे हैं, देखिए नुनाटक ही नुनाटक दिख रहे हैं इस फिगर में, तो बड़ा चारों तरफ बर्फ छाई हुई है, उसके बाद भी ये ऊपर देखिए चट्टानी टीले इस तरीके के, तो नुनाटक स्ट्रक्चर ये बोला जाता है। इसके बाद जो अगला स्ट्रक्चर आ जाता है तो वो जाता है रॉक माउंटेन। रॉक माउंटेन ही इसे भेड़ शिला भी कहते हैं, ठीक है ना। इस तरीके से ये रॉक माउंटेन ही आपको दिखाई देती है, जैसा आप सामने देख रहे हैं। इसमें क्या है कि जिस तरफ से बर्फ चल रही है उस तरफ से तो इरोजन करके इसकी सतह जो है चिकनी हो जाएगी, और जिस तरफ बर्फ गिर रही है उधर सतह जो है खुरदरी रह जाएगी, ये देखिए। तो ऐसी चट्टानों को रॉक माउंटेन ही कहते हैं जो आपके रास्ते में आ जाते हैं ग्लेशियर के। कैसे बनते हैं देखिए, समझिएगा कि मान लीजिए कि ये ग्लेशियर में रॉक माउंटेन की बात है, तो इस तरीके से आप देखिए,
ग्लेशियर का डायरेक्शन इधर है, बर्फ इधर से आएगी तो इस सरफेस को बिल्कुल अपरदन करके, इरोजन करके, रगड़ के एकदम चिकना कर देगी, ठीक है ना। तो इधर की सरफेस चिकनी हो जाएगी, लेकिन यहां से जब बर्फ जाएगी तो यहां तो इरोजन पावर है, लेकिन इधर ढलान अपोजिट पड़ गया तो बर्फ आराम से गिरेगी, उतना इरोजन नहीं करेगी। तो इरोजन नहीं करेगी तो इधर की सरफेस जो है वो खुरदरी बनी रहेगी और इधर की सरफेस चिकनी हो जाएगी। ये तब होता है जब चट्टाने आपकी बर्फ के रास्ते में आ जाएं, ग्लेशियर के रास्ते में आ जाए। तो ऐसी चट्टाने दूर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे भेड़ों का झुंड हो, क्योंकि भेड़ इस तरीके से दिखती है ना, तो इसीलिए इसे भेड़ शिला कहते हैं या रॉक माउंटेन ही कहते हैं। देख सकते हैं आप लोग यहां पर, देखिए इस तरफ से बर्फ आ रही, तो ये सरफेस चिकनी कर दी गई है और इधर की सरफेस आपकी खुरदरी बनी हुई है। तो ये रॉक माउंटेन ही या भेड़ शिला का स्ट्रक्चर इस तरीके से आपका बनता है, ठीक है। ये भी आपका ग्लेशियर द्वारा ही बनाया जाता है। इसके बाद अगला जो आ जाता है तो मोरेन। मोरेन को अगर आप समझेंगे तो मोरेन को हिंदी में कहते हैं हिमोड। क्या कहते हैं? हिमोड। हिमोड क्या है? कुछ नहीं। यहां से देखिए ग्लेशियर बह रहा है, यहां से ग्लेशियर बह रहा है। तो जब ग्लेशियर बह रहा है तो इसके साथ अपरदित होकर जो भी अवसाद आएंगे, भाई चट्टानों के टुकड़े, मिट्टी के टुकड़े, ये सब इसके साथ मिलके आएंगे, तो धीरे धीरे ये किनारे इकट्ठे कर दिए जाते हैं। तो यहां पर ये देखिए ये किनारे किनारे इकट्ठे हो गए हैं अवसाद, यहां पर ये किनारे किनारे अवसाद इकट्ठे हो गए हैं, यहां पर ये अवसाद इकट्ठे हो गए हैं, ठीक है ना। तो यही आपके हिमोड़ कहलाते हैं, मोरेन कहलाते हैं, यानी ग्लेशियर द्वारा बहा कर लाए गए अवसाद हिमोड़ या मोरेन्स कहलाते हैं। जो किनारे पर हैं इन्हें पेरिफ्रल मोरेन्स कहते हैं। पेरिफ्रल माने परिधीय या पार्श्विक, तो ये पार्श्विक होते हैं। जो बीच में हैं इन्हें मध्यस्थ हिमोड़ कहते हैं, मीडियोकर, ठीक है ना। तो ये मीडियोकर हिमोड़ हो गए, मीडियोकर मोरेन हो गए, और जो किनारे पर हैं ये आपके पेरिफ्रल हिमोड़ हो गए या पेरिफ्रल मोरेन्स हो गए। ठीक है ना। तो ये हिमोड़ आपके इस तरीके से स्ट्रक्चर बनता है। हिमोड़ में कुछ नहीं, मतलब जो अवसाद लाएंगे वो किनारे हो ही जाएंगे, या तो बर्फ के साथ, और नहीं तो जब बर्फ पिघलनी शुरू हो जाएगी तब आपके वो सब पानी के प्रभाव से किनारे इकट्ठे कर दिए जाते हैं। तो इन्हें कहा जाता है हिमोड़ या मोरेन्स। नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो बनता है तो वो बन जाता है ड्रमलिन। ड्रमलिन आप अपने फिगर में देख रहे हैं। तो ड्रमलिन को अगर आप देखिएगा तो क्या होता है कि यही जो हिमोड़ है, जो हिमोड़ बहकर आए हैं, ये आपके जब लगातार बर्फ और पानी मिश्रित होकर बहने लगता है तो यहां पर आप ये देख रहे हैं ये गुंबदाकार या डोम शेप में ये स्ट्रक्चर बन जाता है, जिसका देखिए बीच में ऊंचा है, किनारे नीचा है। तो इस तरीके का जो आइस फ्लो का डायरेक्शन भी फिगर में आपको दिखाया गया है, तो यही कहलाता है ड्रमलिन। एक ड्रमलिन ये रहा, एक छोटा सा ड्रमलिन ये भी रहा, एक ड्रमलिन यहां दिख रहा है, एक ड्रमलिन यहां दिख रहा है, ये भी एक तरीके का ड्रमलिन है। तो जो आपके मोरेन बहाकर लाए गए हैं ये धीरे 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 बर्फ और पानी के मिश्रित प्रभाव से जब उनका जमाव इस तरीके से होता है कि ये गुंबदाकार या डोम शेप में दिखने लगे तो इनको ड्रमलिन कहा जाता है, ठीक है ना। तो ये ड्रमलिन का स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है। ये उस समय का सीन है जब आइस निकल चुकी है और अब गर्मी बढ़ गई है और यहां पर जो आइस है वो वाटर में कन्वर्ट हो चुकी है, पानी में कन्वर्ट हो चुकी है, क्योंकि जब बर्फ आ रही थी तब तो ये बर्फ में दबे होंगे, ठीक है ना। तो हिमोड़ जब इस तरीके से इकट्ठे हों, मोरेन्स आपके इस तरीके से इकट्ठे हों कि ये डोम शेप्ड स्ट्रक्चर इस तरीके से बना ले ऊंचा ऊंचा, है ना। यहां पर ये दिख रहा है, ये देखिए एक ड्रमलिन यहां दिख रहा है, तो इस तरीके का स्ट्रक्चर। एक ड्रमलिन यहां भी देखिए अंडर कंस्ट्रक्शन है, फॉर्मेशन है इसकी हो रही, तो ये ड्रमलिन कहलाते हैं, ठीक। तो ऐसी स्थलाकृतियां ड्रमलिन बोली जाएंगी। इसके बाद आ जाता है आपका आउटवॉश प्लेन, या इसे हिंदी में कहते हैं अवक्षेप मैदान। क्या कहते हैं? अवक्षेप मैदान। ठीक है ना। जाहिर सी बात है कि जब हिमानी बही बहने के बाद धीरे धीरे पिघल गई और पिघलने के बाद जो अवक्षेप हैं वो एक चादर के रूप में एरिया में फैल जाए, बिखर जाए,
पूरे एरिया को कवर कर ले। तो इन अवशेषों से, इन अवसादों पर जो ये काफी आपके कहना चाहिए दूर के एरिया प्लेन तरीके से फैल जाए, तो इसी को कहते हैं अवक्षेप मैदान। कभी यहां पर ये ग्लेशियर बहता होगा, अभी पिघला हुआ है, तो उससे निकले हुए बचे हुए ये अवशेष यहां पर बिखरे पड़े हैं, जिससे मिट्टी के पार्टिकल हैं, छोटे छोटे पत्थर हैं, इस तरीके की चीजें, तो वो आपका कहलाता है अवक्षेप मैदान या आउटवॉश प्लेन। पहाड़ों में ऐसे छोटे छोटे प्लेन कई सारे मिल जाते हैं, ठीक। तो ये आउटवॉश प्लेन भी आपका ग्लेशियर के इफेक्ट से ही बनता है। Is that clear? अब इसमें एक चीज और आती है, तो वो आती है एस्टर। जब ये हिमानी पिघलती है, ये भी देखिए अवक्षेप मैदान का एक एग्जांपल है, क्लोजअप व्यू है। यहां पर आप देख रहे हैं ये दूर से व्यू लिया गया है, यहां पर ये क्लोजअप व्यू है। तो आप देखिए छोटे छोटे कंकड़ पत्थर ये आपको यहां पर बिखरे हुए दिख रहे हैं, ठीक है ना। तो ये अवक्षेप मैदान ही है, और उसी में जब बर्फ पिघलेगी तो कहीं कहीं पर क्या होगा कि बर्फ की इस तरीके की ये धाराएं बन जाएंगी पानी की। ये दिख रहे हैं आपको, कहीं कहीं पानी भरा हुआ भी है, कहीं कहीं से ये पानी के कटाव से ऊंचा नीचा हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो यहां पर जो आप ये देख रहे हैं, ये स्ट्रक्चर जो लंबा लंबा सा बन गया है, जिसका कि बीच का पार्ट नुकीला है, नालियां जो पानी ने बनाई, इसके बनने से ये जो बीच का नुकीला पार्ट वाला एरिया है, ये देखिए ये नुकीले पार्ट वाला एरिया है, जहां बीच का नुकीला पार्ट है, ये देखिए यहां पर नुकीला पार्ट है कि नहीं, यही कहलाते हैं आपके एस्कर, ठीक है ना। तो ये नुकीले पार्ट जो बीच में रह जाते हैं, टेढ़ी मेढ़ी कगारें जो होती हैं, ये आपके एस्कर बोले जाते हैं, ठीक है ना। ये कब बनेंगे? ये जब हिमानी पिघलेगी, तो पानी जब बहेगा, तो पानी जब इन अवक्षेपों को, इन अवसादों को सेटल करेगा, तो ये देखिए ये एस्कर टाइप के स्ट्रक्चर, ये देखिए लंबा सा एस्कर ये बना हुआ है, ठीक है ना। तो ये एस्कर स्ट्रक्चर यहां पर हमें मिलता है। इसके अलावा एक स्ट्रक्चर और होता है, जिसे पीटर नास्टर लेक कहते हैं। ये क्या है? जब हिमानी स्टेयर केस से बहती, यानी किसी ऐसी जगह से बहे जहां पर आपका सीढ़ियों जैसी संरचना बनी, चट्टानों में अपरदन इस तरीके से हुआ हो जहां सीढ़ियों जैसी संरचना बन जाए, ठीक है ना। तो जब बर्फ यहां से यहां गिरेगी, तो इन कोनों पर अपरदन करेगी, इरोजन करेगी, और इनमें बर्फ भर जाएगी, ठीक है ना। लेकिन जब गर्मी का मौसम आएगा, तो ये बर्फ पिघल के पानी बन जाएगी। जब पानी बन जाएगी, तो यही जो छोटी छोटी लेक्स होंगी, इन्हीं को कहते हैं पेटरनास्टर लेक। ये कब होगी? जब हिमानी आपकी स्टेयर केस, यानी सोपानी भ्रंशों से बहे या सोपानों से बहे, ठीक है ना। तो स्टेयर केस, यहां इस फिगर में स्टेयर केस को शो भी किया गया है, आप देख लीजिएगा लेक पेटरनास्टर, ये फिगर में आपको दिखाना चाहूंगा। जी यहां पर देखिए, यहां पर ये स्टेयर केस टाइप का दिखाया गया है ना। तो ये छोटी छोटी झीलें ये आपकी पेटरनास्टर लेक बोली जाती है, जहां पर भी स्टेयर्स टाइप का होगा। क्यों? क्योंकि यहां सिंपल सी बात है, देखिए होता क्या है, होता यह है कि पहले ये स्टेयर केस है, जब बर्फ यहां गिरेगी तो यहां पर इरोजन करेगी कि नहीं करेगी? जब इरोजन करेगी, तो ये स्ट्रक्चर इस तरीके से आपका इरोड हो जाएगा, अपरदित हो जाएगा। फिर बर्फ जब आगे यहां भी गिरेगी, तो यहां पर भी इसी तरीके से इरोड करेगी, इरोड करेगी, गड्ढा कर देगी। अब जब बर्फ बह रही है, बर्फ जब गिर रही है, तब तो इनमें बर्फ भरी रहेगी, लेकिन जब गर्मियों का मौसम आएगा, बर्फ यहां से गिरना बंद हो जाएगी, तो यहां पर भरी हुई बर्फ आपकी पानी में कन्वर्ट हो जाएगी, पानी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो यही जो आपकी लेक जो है, ये क्या कहलाएंगी? पेटरनास्टर झील। ठीक है ना। तो यह स्ट्रक्चर भी आपका हिमानी से या ग्लेशियर से बनता है, ठीक है ना। तो ये पेटरनास्टर लेक समझा आपने, एस्कर समझा, और तो यही आपके दोस्तों मेजर स्ट्रक्चर्स हैं जो आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। सवाल इस तरीके से बनता है यहां पर कि कई बार आपसे हिमरेखा के बारे में पूछ दिया जाता है, स्नो लाइन के बारे में, कई बार आपसे आइसबर्ग के बारे में दो तीन बार पूछा जा चुका है एग्जाम्स में,
इसके अलावा जो अदर चीजें हैं, जैसे कि आपके आइस शीट क्या है, आइस कैप क्या है, सर्क क्या है, प्री मेन के बारे में सवाल आते रहते हैं। अगर ये मेंस में बनता है कभी भी, तो वर्तमान सिलेबस जो है उसमें बन सकता है कि भाई ग्लेशियर से और कौन कौन सी संरचनाएं बनती हैं, तो इस तरीके से आपको ये संरचनाएं देनी है और इनका लाइन डायग्राम भी देना। एक डेफिनेशन जितनी बताइए उतनी डेफिनेशन लिखनी है और लाइन डायग्राम भी आपको बनाना होगा, तभी पूरे मार्क्स आपको मिलेंगे, ठीक है ना। तो लाइन डायग्राम आप हर चीज का इसमें बनाते चलेंगे, छोटा छोटा सा अपने पेन से ही बना देंगे, उसके लिए पेंसिल यूज करने की जरूरत नहीं है। तो ये मेजर स्ट्रक्चर्स आपके हिमानी से बनते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आज की क्लास में इतना ही, हिमानी से इतने ही स्ट्रक्चर बनते हैं। ये जो लैंडफॉर्म्स फॉर्म होते हैं ग्लेशियर से, सी वाटर से, अंडरग्राउंड वाटर से, रिवर से, विंड से, ये चैप्टर यहां पर होता है समाप्त। कल हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करें, ठीक है ना। गुड आफ्टरनून शशिकांत जी, गुड आफ्टरनून। कोई सवाल हो तो आप लोग पूछिएगा, नहीं तो फिर आज की क्लास यहां पर वाइंड अप की जाएगी। और वाइंड अप से पहले प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ठीक है ना। तो ये आप प्रैक्टिस कर लेंगे घर में लिख के, दो दो लाइन हर स्ट्रक्चर के बारे में और उसका एक लाइन डायग्राम, ठीक। जो ना आए वो हमसे पूछ लेना कि इसका हमें लाइन डायग्राम नहीं आ रहा है या हमसे लिखना नहीं आ रहा है, वो पूछ लेना, तो वो मैं बता दूंगा कि उसमें लिखना क्या होता है और क्या करना है, ठीक है। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं तक, कल नया चैप्टर स्टार्ट होगा और ये लैंडफॉर्म्स का चैप्टर यहाँ पर जो है समाप्त होता है। ये भी आपकी समतल स्थापक शक्ति में आती है, क्योंकि हिमानी भी धरातल के उच्चावच को यानी ऊंचाई नीचाई को प्लेन करने का काम करती है, ठीक है ना। तो ये आप समझ सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, फिर थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स फॉर कमिंग। आज की बात यहीं तक, बाय बाय, कल मिलेंगे। चलिए ठीक है, प्लेलिस्ट बनवा का दीजिए, बनाई देंगे भाई, हम ही को बनानी होगी, बना देंगे भाई अंजलि जी, ठीक है ना, बन जाएगी, थोड़ा सा टाइम लगेगा, बना देंगे, डिस्क्रिप्शन नहीं दे देंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू, थैंक्स फॉर कमिंग। कल फिर समय पर मिलेंगे और नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। टिल देन बाय बाय, पढ़ते रहिए, सफल।